तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं मार्केट की के आज क्या रहा और आने वाले कल क्या रहेगा मार्केट में। इसके बाद राशिफल बताएंगे। तो वीडियो को तीन पार्ट में कवर करेंगे। जिसको आगे खिसका के देखना है देख सकते हो, वैसे 6-7 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो आज की बात करते हैं। हमने क्या बताया था इसमें मैंने बोला था अपसाइड रहेगा मार्केट, थोड़ा अप डाउन जरूर रहेगा, और 9:45 से मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, मार्केट ने सेम किया है, मार्केट ऊपर गया, अच्छा खासा ऊपर गया। और एक मैंने बताया था आपको कि बैंकिंग सेक्टर इस वीक अच्छा चलेगा, निफ्टी बेशक थोड़ा सा कम चले तो वो भी सेम हुआ है, बैंक निफ्टी ऊपर गया है। आईटी सेक्टर आपको बताया हुआ था, रिलायंस आपको बताया था, जबकि रिलायंस के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई से। आज भी आपने रिलायंस देखा होगा। ठीक है, तो जैसे बताया वैसे मार्केट ने किया है। अभी आने वाले कल क्या हो सकता है, मिक्स टू पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट। 10 बजे का एक टाइम आपने चेक करना है, और कोई चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा, मार्केट जब खुला था तो जो फ्री वाला चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट के नाम से है, एस्ट्रो स्टॉक अपडेट, स्पेस नहीं है इसमें। तो इस चैनल पे मैंने आपको डाला था कि जो है निफ्टी के डाटा पॉजिटिव है, और बैंक निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव है, और फाइनेंस निफ्टी नेगेटिव है। वो झूलते रहे, बाद में जैसे ही उसने बैंक निफ्टी ने 850 काटा है, फिर उसने मुड़ के नहीं देखा है। ठीक है, तो अभी आज हम अच्छा 44,500 के करीब आ गए, जो ऑल टाइम हाई है, तकरीबन उसके पास ही पहुंच चुके हैं। तो मेरे को लगता है इस वीक में ऑल टाइम हाई भी कटेगा और 46,000 के करीब हम जाएंगे। ठीक है, वैसे जो हमारा टारगेट था 45,550 का, वो तो आ गया एक दिन में, पहले ही दिन आ गया 700 पॉइंट, 750 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो कल का मार्केट आपको पता लग गया। बुधवार भी दोनों साइड रहेगा, अप डाउन ज़्यादा रहेगा, लेकिन अप साइड ही है। मैं एडवांस में बता देता हूँ, क्योंकि फिर मार्केट बंद के टाइम मेरे को ध्यान नहीं रहता, और जहाँ से डाटा घूमे थे करीब 1:10 से, वो भी आपको नहीं अपडेट कर पाए, आज निकल गया था टाइम। ठीक है, पर आप पहले से एडवांस में थे इसमें कि भाई। तो अभी बात करते हैं राशि फल की। आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है प्रीमियम ग्रुप में। BTST लेके जाते हैं 1 महीना से, परमात्मा की कृपा से नजर ना लगे किसी की, हर रोज प्रॉफिट होता है। चलो बढ़िया, ठीक है। BTST में यही होता है, आज खरीदो कल सेल करो। तो अभी बात करते हैं आपका राशि फल का। तो मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ आप लोगों को, ये मेरे पर्सनल राय होती है, व्यू होता है, जो भी मैं बताता हूँ। जिसने काम करना है आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हो। ठीक है, तो आप जिसको फायदा हुआ है बढ़िया, तो आज तो लाइक और सब्सक्राइब बनता ही है, शेयर भी कर दो। 1 महीना हो गया करीब करीब, जैसे बता रहे हैं मार्केट वैसे ही कर रहा है। ठीक है, अभी तो हमें काफी ऊपर जाना है मार्केट को, तो यहाँ ऐसा मन सोचना इतना चला गया कहाँ तक जाएगा क्या करेगा, ऐसे कुछ आदमी होते हैं ना, बहुत ऊपर जाएंगे। तो जो टारगेट है ना, वो बड़े टारगेट हैं इस साल के लिए। तो अभी राशिफल बताते हैं। मेष राशि का 1.5 है, वृषभ राशि के 2 पॉइंट हैं, दोनों राशि कमजोर हैं कल के लिए, और मिथुन राशि के 4 हैं, कर्क राशि के 3 हैं, सिंह राशि के 3 हैं, कन्या राशि के 3.5 हैं, तुला राशि के 3 हैं, और वृश्चिक और धनु राशि के 5-5 पॉइंट हैं, और मकर राशि के 2.5 पॉइंट हैं, कुंभ राशि का 1 है, और मीन राशि के 5 हैं। तो कल जो कमजोर राशि हैं 3 हैं, मेष, वृषभ और कुंभ राशि, बाकी राशि सभी ठीक है। ठीक है, देखो कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए थे पिछली बार, वो पॉइंट मैं आज फिर रिपीट कर देता हूँ। वीडियो हमारा बन गया, 4 मिनट हुए।
आप लोगों ने जब आपके अपोजिट मार्केट जाता है ना, उसमें कभी भी आपको लॉस हो रहा है 5,000 6,000, वो मत देखो, काट दो पोजीशन। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये कई दिन से बता रहा हूँ, जिस आदमी को काटने में पोजीशन जितना ज़्यादा डर लगता है वो मार्केट करो मत, छोड़ दो, ठीक है, मत करो। क्यों? अब देखो, आप अगर आज देखते हो फाइनेंस निफ्टी की कॉल जो है 5 गुनी हुई है, बैंक निफ्टी की कॉल 100 रुपये वाली कॉल 470, करीब करीब 4-5 गुनी हो गई है ना। तो जब इतने गुने हो रहा है, जब मूव आता है और आप बैठे रहोगे, आपको क्या मिलेगा? मान लो आपने 200 रुपये की कॉल ली, वो 50 रुपये की रह जाएगी। आप अगर उसको कम से कम 150 रुपये भी काटा होगा, 25% से ज़्यादा स्टॉप लॉस तो बनता नहीं कभी भी। आप 25 का लगा लो मान लो, ठीक है, आपके 25% गए। अगर मानो आपके पास थे 50,000 रुपये, कितने चले गए? 12,500, 37,500 बचे। आप 37,500 लगा रहे हो उस टाइम, उसमें पता लग जाता है एक लेवल के बाद कि हाँ ये ऊपर जा रहा है, तो 37,500 से 37,500 ही कमा लो, 37 मत कमाओ, 30 कमाओ, 12 वो माइनस, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ये चीज़ खासकर जो ऑप्शन में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी लागू होती है, बाकी चाहे करें या ना करें, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।